हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज मैं बात करने वाली हूँ मोदी केयर के एक बेहतरीन प्रोडक्ट की, माइटी इन वन मल्टीपर्पज़ क्लीनर। तो फ्रेंड्स, इसके नाम से ही आप जान गए होंगे कि ये क्या काम करता है। फिलहाल मैं बता दूँ किन चीज़ों में ये यूज़ होता है। ये हमारा मल्टीपर्पज़ क्लीनर है। जैसे दिवाली आ रही है और हम ज़्यादा सफाई की चिंता तब ज़्यादा करते हैं। वैसे तो हम सफाई पसंद करते ही हैं, नो डाउट, पर दीपावली में हम थोड़ा डीपली चाहते हैं। तो ये किस चीज़ों पे काम आता है, पहले तो बात करते हैं इसकी, ये इसकी प्राइस की। तो ये 130 का पड़ता है, MRP इसकी 130 है, पर DP रेट इसका है 113, अगर आप इससे जुड़ते हो तो। तो इसके बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी कि ये जोड़ करके सस्ता कैसे पड़ता है। इसके लिए आगे आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। पहले तो मैं बता दूं कि किन किन चीज़ों पे ये वर्क करेगा। ये ऐसी चीज़ है ना कि मैं अभी एक ये बाउल लिया है मैंने, मैं इसको भी साफ करके दिखाऊंगी। वैसे तो ये आपके वॉल पे, फ्लोर पे, काउंटर टॉप पे, फैब्रिक्स पे, कारपेट पे, और इवन ग्लास पे, लेदर पे, वुड पे, हर चीज़ पे ये यूज़ हो सकता है। और 99.9 ये जर्म्स किल करता है, 99.9% ये जर्म्स को किल भी करता है। इवन ये जो है आपकी जो मोबाइल है ना, आजकल कोरोना से हम लोग काफ़ी डरे हुए हैं और हम अपने प्रोडक्ट्स को डिसइंफेक्टेंट रखना चाहते हैं, तो इसको हम स्प्रे कर सकते हैं। आपके कुंडी दरवाजों पे भी आप इसे स्प्रे कर सकते हो, या कहीं बैड ऑर्डर आ रहा है तो इसको इजीली आप वहाँ पे भी स्प्रे कर सकते हैं। एक बार मेरे एक सूट में ग्रीस लग गया था, मैंने सोचा एक कपड़े का ग्रीस अब कैसे निकलेगा, बस मेरे दिमाग में आया इसको क्यों ना इसको स्प्रे करके देखूं, और रियली उसने एकदम क्लीन कर दिया। इवन अगर आपके सोफे हैं, लेदर के सोफे हैं, क्या होता है ना कि कई बार आप जिस जगह पे बराबर हाथ रखते हो, घर में छोटे बच्चे हैं, कुछ उसमें डर्ट अगर आ गई तो वो क्लीन नहीं होती है, बहुत पैसे खर्च करने होते हैं हमें हमारे सोफ़ा को फिर से क्लीन करने के लिए। तो एक हमारा शाइनर भी आता है इसमें, और ये स्टेन रिमूवर का काम करता है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्लीन कर लेता है। आइए पहले तो एक डेमो देखते हैं। मैं आज आप लोगों को दो डेमो दिखाऊंगी। पहला डेमो मैं इस बर्तन में दिखाने जा रही हूँ। अब इस बर्तन में आप सोच रहे होंगे ये किस तरीके से काम आएगा, तो ये मैं दिखा दूँ। ये बहुत गंदा हो चुका है ये एरिया, तो होता क्या है, हमें या तो चाकू लेना होगा या बहुत रगड़ेंगे हम, बहुत मेहनत लगेगी, और मैं इससे इस काम को बहुत ईजिली कर लूँगी। ये स्प्रे कर दिया मैंने इन जगहों पर, ये आप देख रहे होंगे कि मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से कर दिया, और मैं इसको 5 मिनट छोड़ दूंगी। तब तक हम दूसरे डैमो की तरफ चलते हैं। उसके लिए मैं वॉल पे जा रही हूँ, और मैं बताती हूँ कि हमारा ये जो माइटी इन वन है, अगर वॉल पे छोटे बच्चे हैं घर में, उन्होंने पढ़ाई कर ली उसमें, ABCD लिख दिया या ड्राॅइंग कर दी, तो हम उसको कैसे क्लीन कर सकते हैं इसकी मदद से। तो चलिए आप लोगों को मैं दिखाती हूँ अपना दूसरा डेमो, जब तक हम इसको 5 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, फिर मैं आपको इसको क्लीन करके बताऊंगी कि इसने अपना वर्क कैसे किया। हाँ, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जैसे यहाँ दीवार पे पेन से लिख दिया गया है, पेन से, स्केच पेन से, चाहे पेंसिल से अगर लिख दिया गया है, तो करना क्या है हमें, हमें इस तरीके से इसको स्प्रे कर देना है, और एक साफ़ सुथरे कपड़े से। अगर आप गंदा थोड़ा सा कपड़ा लेंगे तो आपकी दीवार गंदी हो सकती है। इस तरह से आप धीरे धीरे जेंटली इसको रब करके बिल्कुल क्लीन कर देंगे, पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ कुछ लिखा गया था। और ये थोड़ी दूरी जो गीला है ये सूख जाएगा बिल्कुल, और एकदम दीवार आपकी पहले जैसी हो जाएगी। हाँ तो फ्रेंड्स, दीवार में आपने देख लिया हमारे माइटी इन वन का काम, अब हम इसको क्लीन करेंगे। ये थोड़ा ज़्यादा ही मैंने स्प्रे कर लिया था, क्योंकि ये अंदर अंदर की एरिया जो है, अब मैं इससे रब करूँगी और ये बहुत ईजिली निकलने वाला है। अभी आप देखते रहिए इसको, ये देखिए, बस अगर मैं इसको डायरेक्टली करती ये हरगिज़ नहीं साफ़ होता। ये आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं इसकी मूवमेंट कर रही हूँ ये क्लीन होता जा रहा है। तो काम को इसने हमारे मिनटों में कर लिया, कहाँ तो मैं अभी चाकू ले कर खुरचती एक एक कोना, तब जाके होता। तो फ्रेंड्स इसी तरह मैं इन सबको इसी तरह घुमाते हुए इस तरह से कर लूँगी, इसलिए माइटी इन वन मेरा फेवरेट है। एक डेमो मैंने डिज़ोल्व के साथ किया है हमारी चिमनी को क्लीन करके, और हमारी चिमनी इस माइटी इन वन से भी क्लीन हो सकती है, कितना भी चिपचिपापन होगा वो एकदम क्लीन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स को मैं साफ़ करके और पानी से वॉश करके आपको दिखाते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, मैं इसको साफ़ करके ले आई हूँ, और बहुत ही कम समय में
ये बिल्कुल क्लीन हो गया है, जितनी ज़्यादा गंदगी इसमें पहले थी, और बहुत ही ईजिली, मज़े की बात तो यह है कि बहुत ही ईजिली इसने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा सिर्फ फ्लोर वुडन चीज़ों को या हमारे ग्लास वगैरह को ही नहीं, हमारे बर्तनों को भी चमका सकता है जिसमें डर्ट जमा हुआ हो। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको शेयर करना ना भूलें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।